नमस्ते भारत, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। दोस्तों, विशेषज्ञों ने ये दावा किया है कि उत्तर प्रदेश से कोरोना का पीक निकल चुका है, तो इस पे मैं पूरी बात करती हूं। इससे पहले मैं आपको बताती हूं कि इस समय भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का जो कहर है लगातार बढ़ रहा है और देश में रोजाना रिकॉर्ड मामले आ रहे हैं। इसी बीच सवाल ये उठता है कि दूसरी लहर का पीक जो है कब आएगा, कब मामलों में गिरावट शुरू होगी, क्योंकि पीक का एक फॉर्मूला होता है। हालांकि इसका कोई सेट पैटर्न नहीं है, लेकिन फिर भी जो वैज्ञानिकों का आधार है उसमें कहते हैं कि पीक आएगी इस तरीके से, उसके बाद फ्लैट होगा, देन फिर रेट डाउन जाएगा। तो इस तरीके से वो पीक का पैरामीटर उन्होंने बनाया हुआ है। और यूपी के लिए ये गुड न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में जो मामलों की संख्या सामने आई है वो है 28,076, जो कि पीक जब काउंट किया गया था उस दिन वो संख्या थी 38,055। तो लगभग ये 10,000 कम है, जो ये बताती है कि यूपी से पीक गुजर चुका है। अब मैं पूरी बात करती हूँ आपके साथ। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 28,076 नए कोरोना के मामले मिले हैं। एक दिन में सबसे ज्यादा 397 लोगों ने वायरस की वजह से अपनी जान गंवा दी है। इसी बीच महामारी की स्थिति की जो निगरानी करने वाली सरकारी एजेंसियां हैं, उनका ये दावा है कि कोरोना की दूसरी लहर की पीक आ चुकी है। और मैं आपको बता दूं कि चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने ये कहा है कि 24 घंटों में दर्ज किए गए नए मामलों की संख्या 28,076 है, जो कि पीक की जो मैंने आपको संख्या बताई 38,055 से लगभग 10,000 कम हो रही है। तो उन्होंने ये कहा कि सक्रिय मामलों की संख्या भी 2.5 लैक्स हो गई है। और कुमार ने ये भी कहा कि सक्रिय मामलों का पीक जो है 3.1 लाख था। हालांकि कहा यह जाता है कि पीक की कोई डेफिनेशन नहीं है, कोई इसकी परिभाषा नहीं है। इसे महामारी के सबसे उच्चतम बिंदु के तौर पे देखा जाता है, जहां पहुंचने के बाद वायरस के मामले कम होना शुरू हो जाते हैं और ये शार्प या स्मूथ नहीं हो सकता। ये पीक के छोटे छोटे बिंदु कहे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 24 अप्रैल को सबसे ज्यादा 38,055 नए मामले सामने आए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। तब से मामलों में गिरावट आ रही है। इसी तरह राज्य में 30 अप्रैल को रिकॉर्ड 3,10,783 सक्रिय मामले दर्ज किए गए थे। इसके बाद इसमें कमी होती नजर आई थी। पॉजिटिविटी रेट, यानी कि जो पॉजिटिव पिटी का रेट है या जांच किए गए लोगों में मिले पॉजिटिव लोगों की संख्या है, यह दिखाने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है कि पीक जा चुकी है। महामारी के पैटर्न की निगरानी कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सेक्रेटरी आलोक कुमार ने इस ट्रेंड को स्वीकार करते हुए कहा कि पिछले 1.5 हफ्ते में राज्य के सीपीआर में लगभग 5% की कमी आई है, जो कि एक गुड साइन है। अधिकारियों के अनुसार, अगर उनकी बात माने, तो राज्य के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े इस बात को साबित करते हैं। यूपी का सीपीआर नीचे चला गया है और 21 से 27 अप्रैल के बीच यहाँ 24.1% था। वहीं 28 अप्रैल को 4 मई के बीच ये 18.8% रहा। और इस ट्रेंड को देखने के लिए जो निजी लैब हैं उनके सीपीआर का भी उपयोग किया जा सकता है। लखनऊ में एक पायलट मूल्यांकन ने ये संकेत दिया है कि निजी प्रयोगशालाओं में सीपीआर अप्रैल के मध्य में लगभग 76% से घट करके अब 38% हो गया है। इसके अलावा लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज जैसे जिलों में जहां वायरस ने काफी कहर बरसाया है, वहां भी पॉजिटिविटी में जो है कमी देखी जा रही है। तो दोस्तों, ये थी यूपी से जुड़ी हुई खबर।
कोरोना से जुड़ी हुई खबर, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आपको कोरोना से जुड़े हुए सभी अपडेट देती रहूंगी। जय हिंद, जय भारत।